ना सूत्र सुनने सामुच्चय का दूसरा रूप देखो, अगर आपके वैल्यू यानी कि एक मान जो अचर पद का मान है वो सभी में समान आ जाए, कैसे सभी में आ जाए, ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx, आगे देखो a के साथ भी x, b के साथ भी x, c के साथ भी x, d के साथ भी x, तो x बराबर कितना रखेंगे, जीरो। कितना रखेंगे, जीरो। अब आपके सवाल नंबर देखो 10, a कोष्टक x माइनस a प्लस b कोष्टक x माइनस a प्लस बराबर है बराबर c कोष्टक x माइनस a प्लस c डी कोष्टक एक्स माइनस एक। अब देखो इसकी क्या क्वालिटी है सवाल की, इसमें ये कह रहा है देखो ए के साथ भी एक्स माइनस एक, बी के साथ भी एक्स माइनस एक, सी के साथ भी एक्स माइनस एक और डी के साथ भी एक्स, सबके साथ क्या है एक्स माइनस एक, यानी कि समान मान है, समान मान है ना। अब इधर देखो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स, अगर समान मान आ जाए एक्स एक्स बराबर क्या रखोगे, इधर समान कौन था एक्स, इधर समान कौन है एक्स माइनस एक्स, यहाँ लिखोगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय समुच्चय द्वारा, ध्यान देना इधर देखो सब में एक्स माइनस एक है ना, एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक बराबर कितना रखोगे, एक्स माइनस एक बराबर मान किसका ज्ञात करना है, एक का क्या करे पक्षांतरण, इधर माइनस है तो उधर कायम हो जाएगा प्लस में, एक्स बराबर कितना, एक आपका आंसर।